अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ ब्रेक्स इन वाल। लेट्स सपोज हमारे पास एक वाल है जिसकी डायमेंशंस गिवन है, 10 फीट इसकी लेंथ है, 5 फीट इसकी हाइट है एंड 9 इंच इसकी थिकनेस है। नंबर ऑफ़ ब्रेक्स फाइंड करने के एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रेक विद मोटर। इम्पॉर्टेंट थिंग ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रेक विद मोटर है, सिंपल जस्ट जो है वॉल्यूम ऑफ ब्रेक नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ वाल फाइंड करने के लिए हमें वाल के डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास 10 फीट वाल की थिकनेस है, 5 फीट वाल की हाइट है एंड 9 इंच वाल की थिकनेस है। उस 9 को हम 12 से 12 से डिवाइड करके हमारे पास ये भी फिट में आ जाएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा वाल का 37.5 CFT। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ब्रेक का विद मोटर। जो नॉर्मल ब्रेक साइज़ है इन आवर कंट्री वो है 394.5, जिसमें इसकी 9 इंच लेंथ है, 4.5 इंच इसकी विड्थ है, 3 इंच थिकनेस है, इस जिसे हम थिकनेस, हेडर और स्टेटर भी कहते हैं। लेट्स सपोज जो मोटर है उसका साइज़ 1/2 इंचेस है। यूजली जो मोटर का साइज़ होता है वो 1/2 इंच ही होता है, जिसे हम 1/2 इंचेस या 0.5 इंच लिख सकते हैं। सो जो थिकनेस होगी ब्रिक की वो ये वाली थिकनेस 3 इंच, मोटर के बाद ये हो जाएगी 3 इंच ये प्लस 0.5 इंच मोटर इज इक्वल टू 3.5 इंच। सो आफ्टर द मोटर ये थिकनेस 3.5 इंच हो जाएगी। अब ब्रेक का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है विद मोटर। हमारे पास ये सारी डायमेंशंस इंचेस में, इसे फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम सभी को 12 से डिवाइड करेंगे। 9 इंच इसकी लेंथ है, डिवाइड बाय 12 ये भी फिट में आ जाएगा। 3.5 थिकनेस आई थी आफ्टर एडिंग मोटर, 3.5 डिवाइड बाय 12 ये भी आ जाएगा फिट में, मल्टीप्लाई 4.5 इसकी जो विड्थ थी डिवाइड बाय 12 ये भी फिट में आ जाएगा। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.081 CFT। ये हमारे पास आ गया है ब्रिक का वॉल्यूम विद मोटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाल और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर हमारे पास आ गया है, तो ये दोनों जो है हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाल हमारे पास क्या था, 37.5 CFT डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रेक विद मोटर 0.081। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 462.96, लेट्स से 463 ब्रेक्स। तो इस वाल को कंप्लीट करने के लिए हमें 463 ब्रेक्स चाहिए होंगी। शुक्रिया।